नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह, भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से हमारे प्रातःकालीन मौसम परिचर्चा कार्यक्रम में आप स्वागत करता हूं 13 अगस्त 2023 को। अभी मैं चर्चा करूंगा अगले 24 घंटे में होने वाली भारी बारिश के बारे में और जो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करी है जिन जिन क्षेत्रों के बारे में। अगर मैं इस स्लाइड में आप देखेंगे तो इस स्लाइड में हमें क्लाउड का मूवमेंट दिख रहा है, और मैं कह सकता हूँ कि जो मानसून ट्रफ है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन के बहुत ज़्यादा उत्तरी क्षेत्र उत्तरी हिस्से में है। जो जो उसका पश्चिमी भाग है वो तो पूरा वेस्ट हिमालयन रीजन में है, और जबकि जो पूर्वी भाग है वो बिहार से लेके और मणिपुर तक जा रहा है, बिहार से लेके सब हिमालयन वेस्ट बंगाल सिक्किम से लेके मणिपुर तक जा रहा है, और एक ट्रफ है जो साउथ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल से बेव बंगाल की तरफ जा रहा है, जिसके कारण आप देखेंगे पूरा एक क्लाउड रीजन है जहाँ अच्छी बारिश देखने को मिलेगी अगले 24 घंटे में। और मैं अगर वार्निंग की बात करूं तो आप यहां देख सकते हैं इस वाले चित्र में मैं वार्निंग के बारे में बताऊंगा। जो रेड कलर है उत्तराखंड में, लाल कलर की चेतावनी है जहां एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की संभावना है अगले 24 घंटे में, जो 21 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। और इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और सब हिमालय वेस्ट बंगाल और सिक्किम में हैवी रेनफॉल जहाँ 11 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 20 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होने की संभावना है। इसी के साथ साथ उत्तरी भाग, पंजाब का जो उत्तरी भाग है, हरियाणा का उत्तरी भाग है, और जो तराई क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, बिहार के, वहाँ भी हैवी रेनफॉल यानी भारी बारिश 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 11 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होने की संभावना है। इसी के साथ साथ GWB जो वेस्ट बंगाल का हिस्सा है और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, और उड़ीसा, झारखंड और इसी के साथ साथ तमिलनाडु और साउथ इंटीरियर कर्नाटका में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है, और अंडमान निकोबार में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना अगले 24 घंटे में। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप जो भी सरकार की तरफ से एडवाइजरी आती है मौसम को लेकर उसको देखें और उसी हिसाब से अपने कार्यक्रम तय करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।